नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है नेक्स्ट गेम ऑफ एशिया कप का जो खेला जाएगा पाकिस्तान और नेपाल के बीच में। दिस इज गोइंग टू बी द 6th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड ग्रुप ए का ही फिक्सचर होगा। ये भी खेला जाएगा दम्बुला में। पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच हारकर आ रहे हैं इंडिया से। वहीं नेपाल की बात करें तो इस मैच में हिस्टोरिक विन के साथ आ रहे हैं ओवर यूएई, जो कि इनका मेडन विन भी था एशिया कप का। पाकिस्तान की बात करें तो नाउ दे हैव सफर्ड डिफीट इन ऑल ऑफ देयर लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल्स। इन पिछले 10 में से देखे तो 9 में वो हार कर आ रहे हैं। बट डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान ही यहाँ पे स्टार्ट ऑफ करेगी एज फेवरेट्स। ऑल्दो नेपाल ने जैसा परफॉर्मेंस दिया लास्ट मैच में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद कोई अपसेट करते इस मैच में। वो अगर सेम परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर सकते हैं जैसी यूएई के अगेंस्ट उन्होंने करी थी। अगर हेड टू हेड की बात करें तो ये पहला मैच होगा जो कि पाकिस्तान और नेपाल आपस में कभी भी खेलते हुए दिखेंगे। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान के प्रॉबल 11 में गुल फिरोजा, मुनीबा अली, इनके विकेट कीपर सिदरा अमीन, आलिया रियाज, निदा दार, तूबा हसन, फातिमा सना, इरम जावेद या फिर उमीमा सुहेल में से कोई एक, सैदा उरूज शाह, नश्ता संधू और सादिया इकबाल खेलते हुए दिखेंगे। नेपाल की समझाना खड़का, सीता राणा मगर, कविता कुंवर, इंदू वर्मा इनकी कैप्टन, रुबीना छेत्री, पूजा महातो, बिंदु रावल, काजल श्रेष्ठा इनकी विकेट कीपर, कविता जोशी, कृतिका मारासिनी और शबनम राय खेलते हुए दिखे। वेन्यू जैसे मैंने आपको बताया दम्बुला में ही होगा ये मैच, जहाँ पे पिछले 5 मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 125 रन का देखा गया। एंड दिस इंक्लूड्स द फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ दिस सीरीज। इसके बाद वाले मैचेस अभी हुए नहीं है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। टॉस की बात करें तो पिछले 5 में से 4 गेम्स जिस टीम ने चेस किया है वो जीती है। एंड पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो स्पिनर्स ने आउटराइटली डोमिनेट ही किया है। यहाँ पे 75.5% विकेट स्पिनर्स ने ही निकाली है। विकेट्स पर इनिंग स्पिनर्स का 3.7 का रहा है, जो कि पेसर्स का केवल 1.2 का रहा है। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स की तरफ टी20 इंटरनेशनल्स में सिंस 2023। तो पहले देखते हैं पाकिस्तान के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इधर मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 26 इनिंग्स में 557 रन बना दिए हैं 22 की एवरेज से। And she's the only batter which has a century to her name. सिद्रा अमीन ने 456 रन बनाए हैं 22 की ही एवरेज से। निदा दार ने 338 रन बनाए हैं 24 इनिंग्स में एंड आलिया रियाज ने 274 रन बनाए हैं 21 इनिंग्स में। बॉलर्स में सादिया इकबाल ने लिया सबसे ज्यादा विकेट्स, 28 विकेट्स ली हैं 21 की स्ट्राइक रेट से 26 इनिंग्स में। निदा दार ने 22 विकेट्स ली हैं, नशरा संधू ने 21 और फातिमा सना ने 17 विकेट्स ली हैं। दोनों ने 21 की स्ट्राइक रेट से ही विकेट्स ली। नेपाल के बैटर्स में रुबीना छेत्री ने बनाए सबसे ज्यादा रन 26 की एवरेज से, 392 रन बनाए हैं 20 इनिंग्स में एंड इन्होंने भी एक सेंचुरी लगाई है। अगेन शी इज द ओनली बैटर जिन्होंने एक सेंचुरी लगाई है नेपाल के बैटर्स में। सीता राना मगर की अगर बात करूं तो इन्होंने 363 रन बनाए हैं 24 इनिंग्स में। इंदु वर्मा ने 306 रन बनाए हैं 22 इनिंग्स में। पूजा महातो के नाम है एक हाफ सेंचुरी विद 158 रन एंड समझना खड़का ने भी 135 रन बनाए हैं, एक हाफ सेंचुरी आ गई है इनकी, जो की फर्स्ट मैच ऑफ दिस सीरीज की ही आई थी। बॉलर्स में इंदु वर्मा के नाम में सबसे ज्यादा विकेट्स अलोंग विद सीता राना मगर एंड रुबीना छेत्री। तीनों ने 19 विकेट्स निकाली हैं एंड इंदु वर्मा और सीता राना मगर का स्ट्राइक रेट रहा है अंडर 20 का। पूजा महातो ने 16 विकेट्स निकाली हैं अच्छी स्ट्राइक रेट से 17 की एंड कविता कुंवर ने 15 विकेट्स निकाली हैं 19 इनिंग्स में। चलते दोस्तों बेस टीम पे जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल 2.0 यानी कि 31 जुलाई तक अगर आप 100 मैचेस खेलते हो फैंटेसी अखाड़ा पे, पर मैच इन्वेस्टमेंट रखते हो मिनिमम 1 लाख का, तो 100% कमीशन आपको दे रहा है फैंटेसी अखाड़ा वापस। एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10,000 का रखते हो तो 75% कमीशन हुआ आपका। एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट अगर मिनिमम 2.5K यानी कि 2,500 का रखते हो तो 50% कमीशन हुआ आपका। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक, जहां पे चल रहा है व्यू स्पोर्ट को हराओ और फैंटेसी अखाड़ा में 100 रुपए पाओ। यानी कि व्यू स्पोर्ट पे आपको अपनी टीम बनानी है इस मैच की जब एआई टीम आ जाएगी विच इज डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले, वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा अपनी खुद की टीम भी बनाने का। एंड मैच के बाद आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आपके फैंटेसी पॉइंट व्यू स्पोर्ट की एआई टीम से ज्यादा हुए तो आपको सीधा 100 रुपए मिल जाएंगे फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में। तो दोनों ऐप्स का लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड करना मत भूलिए। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना, पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है, वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब विकेट कीपिंग सेक्शन में स्ट्रेट चॉइस मुनीबा अली रहेंगी जो कि ओपन कर रही हैं एंड मच हायर पोजीशन पे खेलेंगी कंपेयर टू नेपाल की विकेट कीपर एंड फार सुपीरियर बैटर भी है। अगर बात करें कि पिछले 9 टी20 इंटरनेशनल्स की जहां इन्होंने ओपन किया है तो उसमें 31 की एवरेज से 283 रन बनाकर आ रही है एंड इस कॉम्पिटिशन में भी पिछले 7 आउटिंग्स में 147 रन बनाए हैं 21 की एवरेज से। बैटिंग में ऑब्वियस चॉइस रहेगी सिद्रा अमीन, पहले ओपन करती थी बैटिंग पाकिस्तान के लिए बट लास्ट गेम में नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में भी नंबर 3 पे ही बैटिंग करते हुए दिखेंगी। टॉप स्कोरर थी पाकिस्तान के लिए इंडिया वाले गेम में जहां 25 रन इन्होंने बनाए। पाकिस्तान के लिए लीडिंग रन गेटर है, इस साल भी 230 रन बनाए हैं इन्होंने 26 की एवरेज से 9 आउटिंग्स में। एंड पाकिस्तान के लिए लीडिंग रन गेटर थी पिछले एडिशन में भी एशिया कप के, जहां 158 रन बनाए थे, अगेन 26 की ही एवरेज। नेक्स्ट हम समझाना खड़का को भी लेके जाएंगे जो कि ओपन कर रही है नेपाल के लिए। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया पहले मैच में जहां 72 नॉट आउट बनाकर आ रही हैं। दिस ऑल्सो मार्क्स द फर्स्ट एवर हाफ सेंचुरी स्कोर्ड बाय अ नेपाल बैटर इन द एशिया कप। इसके अलावा लीडिंग रन गेटर थी रिसेंटली कंक्लूडेड डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट जो नेपाल का खुद का होता है, जहां इन्होंने केवल 5 आउटिंग्स में 156 रन बनाए थे 39 की एवरेज से। तो दूसरी बैटर हम ये लेकर जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में पहली पिक रहेगी निदा दार, पाकिस्तान की नंबर 5 पे बैटिंग कर रही हैं एंड ऑफ स्पिन भी डाल रही हैं। पाकिस्तान के लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर इस साल हैं, 10 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड शी कंटिन्यूज टू लीड द ऑल टाइम विकेट्स चार्ट इन दिस कंपटीशन, जहां 26 विकेट्स निकाल चुकी हैं 18 आउटिंग्स में। एंड हमने देखा था नेपाल वाले मैच में 4 विकेट्स इन्होंने खोई ऑफ स्पिनर को एंड निदा दार इज द ओनली ऑफी विच इज प्रेजेंट इन द पाकिस्तान स्क्वाड, तो यहाँ पे ये विकेट्स निकालते हुए डेफिनेटली दिख सकती हैं। अगर बात करें इनके पिछले 3 T20 इंटरनेशनल्स की तो उसमें भी 5 विकेट से लेकर आ रही है। तो अगर अब आप देखोगे नेपाल के बैटर्स जो स्ट्रगल करे हैं ऑफ स्पिन पे T20 इंटरनेशनल्स में सिंस 2023, तो यहाँ आप देख सकते हो सीता राणा मगर 7 बारी आउट हुई है 17 इनिंग्स में से, कविता कुंवर 5 बारी, इंदू वर्मा भी 4 बारी आउट हो चुकी है एंड इसके अलावा कविता जोशी, काजल श्रेष्ठा और पूजा महातो 3-3 बारी आउट हुई है। सबका एवरेज ही ऑन द लोअर साइड रहा है। नेक्स्ट हम फातिमा सना को लेके जाएंगे, पाकिस्तान की राइटर मीडियम पेसर हैं एंड फिनिशर का रोल भी निभाती हैं एंड लास्ट मैच में भी सेम किया उन्होंने, 22 नॉट आउट बनाया जिसमें 2 छक्के भी मारे। इनके पिछले 11 T20 इंटरनेशनल्स में 12 विकेट्स भी ये निकाल चुकी हैं एंड डिसेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है T20s में इस साल, जहां 12 इनिंग्स में 128 रन भी बनाए हैं और 10 विकेट्स भी निकाले। हम यहाँ पे साथ साथ सईदा उरूज शाह को भी लेके जाएंगे, पाकिस्तान की लेग ब्रेक बॉलर है, सेकेंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था पिछले गेम में इनका, 3 ओवर डाले केवल 9 रन दिए, 2 विकेट भी निकाली एंड द फैक्ट दैट 2 सेट बैटर्स को इन्होंने डिसमिस किया था इंडिया के विच स्मृति एंड शिफाली, काफी इनको अपना कॉन्फिडेंस भी मिला होगा एंड काफी ये चैलेंज भी पोस्ट कर सकती हैं नेपाल के बैटर्स के लिए। जब पाकिस्तान खेली थी इमर्जिंग एशिया कप में नेपाल के साथ लास्ट ईयर, तो वहां पे एक्सीलेंट फिगर्स था इनका, 4 ओवर डाले थे 2 विकेट निकाली थी एंड पिछले 3 T20s की बात करें तो 6 विकेट्स निकाल कर आ रहे। नेक्स्ट होंगी सीता राणा मगर जो की है नेपाल की लेफ्ट आर्म स्पिनर और ओपनर, अक्रॉस 5 आउटिंग्स 142 रन बना दिए हैं 28 की एवरेज से। शी हैज आल्सो फिनिश्ड एज अ थर्ड हाईएस्ट रन गेटर ड्यूरिंग नेपाल्स रिसेंटली कंक्लूडेड डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट। इसके साथ साथ अगेन जब पाकिस्तान A के साथ नेपाल खेली थी इमर्जिंग एशिया कप में लास्ट ईयर, तो ये भी 2 विकेट्स लेकर आ रही हैं जिसमें से 1 विकेट गुल फिरोजा की थी जो कि ये मैच खेलते हुए दिखेंगे। पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स में केवल 1 बारी विकेटलेस गई हैं। नेपाल के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर एज वेल एज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं इस साल, जहां पे 6 इनिंग्स में 113 रन भी बनाए हैं 28 की एवरेज से एंड 7 विकेट्स भी निकाली हैं। अच्छी खासी डबल फैंटेसी वैल्यू आपको दे सकती है। नेपाल की साइड से हमेशा एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहती है। पाकिस्तान के कुछ बैटर्स जो लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, मुनीबा अली 16 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हुई है, सिद्रा अमीन भी 5 बारी आउट हो चुकी हैं एंड उम्मीमा सोहेल खेलते हुए दिखती हैं, तो वो भी 4 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई। लास्ट पिक जो हमारी ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी वो रहेगी इंदू वर्मा जो की नंबर 4 पे बैटिंग कर रही है नेपाल के लिए, ऑफ स्पिन भी डालती है, सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका क्रॉस बोथ द गेम्स जो ओपनिंग डे पे खेले गए थे, जहां 3 for लिया था इन्होंने एंड इसके अलावा बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था नेपाल और पाकिस्तान A वाले गेम में जो इमर्जिंग एशिया कप में हुआ था, जहां 3 for लिया था, एक मेडन ओवर भी डाला था, 3 ओवर्स में केवल 6 रन इन्होंने दिए थे एंड इसमें विकेट्स निकाली थी तूबा हसन और उरूज शाह की, 3 में से 2 विकेट्स इन दोनों की थी। नेपाल के लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर भी रही हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर विद 19 विकेट्स टू हर नेम एंड पिछले 3 T20 इंटरनेशनल्स में बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया है जहां 57 रन इन्होंने बनाए। पाकिस्तान के कुछ बैटर्स हैं जो ऑफ स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, तो आलिया रियाज 4 बारी आउट हुई है, निदा दार भी 4 बारी आउट हुई है, मुनीबा अली 12 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हुई है ऑल्दो एवरेज उनका ठीक रहा है, सिद्रा अमीन 17 इनिंग्स में से 8 बारी आउट हो चुकी है, केवल 17 का रहा है एवरेज। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक रहेगी पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर सादिया इकबाल और उनकी दूसरी लेफ्ट आर्म स्पिनर नश्ता संधू, दोनों को लेके जाएंगे। सादिया इकबाल की अगर बात करूं तो पाकिस्तान के लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर इस साल है, 10 विकेट्स निकाली हैं 9 आउटिंग्स में। इस कंपटीशन में 7 आउटिंग्स में 6 विकेट्स अभी तक निकाली हैं। पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट रैंक बॉलर रही है ICC T20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग्स में, जहां पे 4th स्पॉट पर ये आई है। इसके अलावा आपको पावर प्ले में 2 ओवर्स डालते हुए दिखेंगी, एक मिडल ओवर में और एक डेथ में भी डालेंगी, तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड ये है 3 प्लेयर्स जो नेपाल के स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, इंदू वर्मा, पूजा महातो और समझाना खड़क 3 इनिंग्स में से 1 बार आउट हुई। नश्ता संधू की बात करें तो शी वॉज वन ऑफ द ओनली 2 पाकिस्तान बॉलर जो अमंग्स द विकेट्स रही थी। इंडिया वाले मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाली थी सैदा के साथ साथ। इस कंपटीशन में बात करें तो 12 आउटिंग्स में केवल 2 बार ही विकेटलेस गई है। एंड ओवरऑल एग्रीगेट्स की बात करें कंपटीशन में तो इंप्रेसिव रीडिंग रही है, 12 इनिंग्स में 14 विकेट्स निकाली हैं 20 की स्ट्राइक रेट से। काफी अर्ली लास्ट मैच में इन्होंने अपने ओवर्स कंप्लीट कर दिए थे, बट इस मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 ओवर ये डेथ में भी डालते हुए दिखे। तो दोस्तों बेस टीम हमारी तैयार है, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी मुनीबा अली ही, बैटिंग सेक्शन में सिद्रा अमीन और समझाना खड़का को लेकर जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में निदा दार, फातिमा सना, सैदा उरूज शाह, सीता राणा मगर, इंदू वर्मा को लेकर जाएंगे, एंड बॉलिंग सेक्शन में सादिया इकबाल और नशा संधू। तो हमारी 10 मेंबर बेस टीम बन गई है। एक प्लेयर पिक करना है, वो टॉस के हिसाब से आप पिक कर सकते हो। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो एक एक्स्ट्रा बैटर लेके जा सकते हो पाकिस्तान का बैटिंग सेक्शन में, जो कि होगी आलिया रियाज, जो नंबर 4 पे बैटिंग करी थी। बेस्ट ऑफ फॉर्म में ऑफलेट नहीं रही हैं, बट एक्सपीरियंस्ड एंड हैंडी हो सकता है वो नेपाल जैसे थोड़े वीकर टीम के अगेंस्ट। पिछले 9 T20 इंटरनेशनल में 142 रन इन्होंने बनाए हैं, बट इस कॉम्पिटिशन में अक्रॉस 6 आउटिंग्स 34 की एवरेज से 102 रन बनाए हैं। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है तो आप एक्स्ट्रा बॉलर उनका लेके जा सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में, विच इज तूबा हसन, जो की लेग ब्रेक बॉलर है। इनकी बैटिंग से पिछले गेम में इंप्रेस किया था इन्होंने, बट ऑफ डे रहा था बॉलिंग से। 22 रन बैटिंग से बनाए, बट बॉलिंग से विकेट नहीं मिली, 2 ही ओवर डाली थी एंड काफी पिटी थी वो 2 ओवर्स में भी। इसके अलावा अगेन पाकिस्तान ए ने जब रिप्रेजेंट किया था, नेपाल के अगेंस्ट खेली थी जब इमर्जिंग एशिया कप में, तो वहां पे 2 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। बात करें पिछले एडिशन की तो 7 आउटिंग्स में 7 विकेट्स वहां निकालकर आ रही है। इन हर लास्ट 8 T20 इंटरनेशनल, लास्ट गेम वाज हर फर्स्ट गेम जहां पे ये विकेटलेस गई थी। तो तूबा हसन बेसिकली जब हम पहले बॉलिंग कर रही है पाकिस्तान तो उनके सारे बॉलर्स को हम कवर करें। अब दोस्तों कैप्टेंसी पिक्स पे जाने से पहले आपको पता है कि जो फाइनल AI की टीम है, स्मॉल लीग की टीम है, आपको मिलेगी हमारी ऐप पर ही अलॉन्ग विद 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन। तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। फिर से बता रही हूँ, लिंक है पिन कॉमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज करके या हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज करके डाउनलोड करते हो ऐप, तो आपको हम रोज 3 लकी गिवे विनर्स डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है वीकली सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है कल के 3 लकी गिवे विनर्स एंड आप भी इनमें से एक हो सकते हो, तो जल्दी से डाउनलोड कर लो ऐप लिंक यूज करके। कैप्टेंसी ऑप्शंस में सेफेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगी निदा दार और सादिया इकबाल पाकिस्तान से। एंड अगर डिफरेंशियल कैप्टेंसी ऑप्शन में अगर आपको जाना है तो इंदू वर्मा के साथ जा सकते हैं एंड फातिमा सना के साथ जा सकते हैं। दोस्तों ये तो हमारा आज का प्रीव्यू, बने रहेगा हमारे साथ बाकी सारे मैचेस के प्रीव्यूज के लिए भी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।